हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। तो आज की क्लास में बच्चों, मैं आपको करवाने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मैं आपको हमेशा की तरह बोलता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो बच्चों, आप उसमें प्रैक्टिकल को भी साथ में समझा करो, क्योंकि प्रैक्टिकल को जब आप समझोगे तभी आपको थ्योरी याद रहेगी। तो आज जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराने आया हूँ वो है बच्चों हमारा इंडिकेटर टेस्ट। तो आज हम अपने घरों में जो भी चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको चेक करेंगे कि क्या वो एसिड है या बेस है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी टर्म्यूरिक है, ठीक है, हमारे घरों में, हमारे जो किचन में जो टर्म्यूरिक पेस्ट होता है, पेस्ट है हमारा, जो कि हल्दी जिसे हम कहते हैं, देखो मैं इसको बना के लाया हूं। इसे कुछ नहीं करना बच्चों, आप लोगों को बस क्या करना है इसमें, ठीक है, अपने घर में हल्दी पाउडर लेना और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, तो इस तरीके से बच्चों ये पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, पेस्ट बना लिया। अब हमें क्या करना है, साथ में हमें खाली प्लेट ले लेनी है, ठीक है, एकदम खाली प्लेट ले लो। और साथ में अब जो भी चीजों का आप टेस्ट करना चाहते हो, आपके घरों में कोई भी चीज है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि वो एसिड है या बेस है, तो अब आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके सामने दो चीजें लेके आया हूं जो आप घरों में काफी यूज करते हो, ठीक है, तो उसको चेक करते हैं क्या वो एसिडिक है या बेस है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको दिख रहा होगा यहां पर मैं आपके घरों में जो डिटर्जेंट होता है जिससे हम कपड़े धोते हैं, ठीक है, वो लेके आया हूं। अब इसको चेक करेंगे क्या ये एसिड है या फिर बेस है ना, बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद साथ में बच्चों ये जो अपने लेमन है, इसको चेक करेंगे क्या ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो इन दोनों चीजों को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अपने घर के बनाए हुए इंडिकेटर में टेस्ट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, ये प्लेट लेनी है और इस पे क्या करना है, अपना जो, ठीक है, पेस्ट हमने बनाया था इसके ऊपर रख दो प्लेट के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से एक स्पॉट आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और दूसरा इसके साइड में हम एक और पेस्ट लगा देंगे, ठीक है। तो हल्दी यहाँ पर, ठीक है, यूज़ करो इसका पेस्ट बना के, और इसको दूसरी साइड में हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो दोनों स्पॉट आपने आमने सामने लगा दिए, एक हमने यहां लगा दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है, और दूसरा यहां लगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं कि अब सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारा जो लेमन है, जो नींबू होता है, क्या ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अच्छा, पहले इसको समझने से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं। हमारा जितने भी जो भी टर्म्यूरिक होती है बच्चों, अगर हम उसमें एसिड डालते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता। अगर कोई सब्सटेंस एसिड होगा बच्चों, अगर हम इसको टर्म्यूरिक के ऊपर डालेंगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। अपनी जो टर्म्यूरिक येलो थी बाद में भी येलो ही रहेगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, टर्म्यूरिक पेस्ट पे अगर हम बेसिक सब्सटेंस डालते हैं तो उस केस में क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो मैंने छोटे छोटे दो नींबू ले लिए, आप भी ले सकते हो, ठीक है, घर में लेमन ले लेना। देखो इसके ऊपर मैंने इसको पूरी तरीके से इसके ऊपर डाल दिया, तो क्या इसके कलर में कोई चेंज आया है? देखो इसके ऊपर पूरा जो लेमन है वो जा चुका है, इसके कलर में देखो कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, ये देखो येलो का येलो ही है, ठीक है, मैं इसको मिक्स कर देता हूँ, ये देखो तो पूरा येलो ही है, इसमें कोई भी चेंज आपको दिख रहा है भाई? बिल्कुल नहीं दिख रहा। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना जो डिटर्जेंट था, ठीक है, डिटर्जेंट को लेते हैं और डिटर्जेंट को यहाँ पर इसके ऊपर डालते हैं, तो देखते हैं क्या डिटर्जेंट इसके कलर को चेंज कर पाएगा। और स्टूडेंट देख सकते हो आप, बिल्कुल यहां पर इसका जो कलर है उसमें बिल्कुल चेंज आ गया। तो आप यहां पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो आप डिटर्जेंट हम यूज करते हैं घरों में कपड़े धोने के लिए, तो वो कैसा होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप टर्म्यूरिक का यूज करके, ठीक है, टर्म्यूरिक पेस्ट का यूज करके आप किस तरीके से जो है अपने घरों में किसी भी, अपने घर में कोई भी सब्सटेंस है, आप उसको पता कर सकते हो कि वो एसिड है या बेस है ना, कितनी मजेदार चीज। तो आपको क्या करना है, अपने घरों में कुछ ऐसी चीजों को यूज करो जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो एसिडिक है या बेस है। मैं अब आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यही एक्सपेरिमेंट आप सेम चीज से भी परफॉर्म कर सकते हो। पहले तो जो मैंने किया था लेमन से करके देखना, और दूसरा किससे करके देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, डिटर्जेंट से, ठीक है, ये मेरे वाला एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अब आपको क्या करना है, आपके घरों में जो सैनिटाइजर है उसको चेक करना कि कैसा है वो, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। और भी चेक कर सकते हो आपके घरों में जो शैम्पू होता है जिससे हम अपने बाल धोते हैं, क्या वो एसिडिक है या बेसिक है।
तो इन दो चीजों को चेक करना, आप ऐसी और भी चीजों को अपने घरों में चेक कर सकते हो। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो बच्चों मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो तो जितने भी एक्सपेरिमेंट है कोशिश किया करो इसको आप परफॉर्म करने की। अगर आप इसको परफॉर्म करोगे तो ये चीजें अब आपको एंड तक याद रहेगी। अब आपको देखो टर्म्यूरिक का ये जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया ये आपको लाइफ टाइम अब याद रहेगा, है ना एकदम मजेदार बात। तो बच्चों अब मैं आप लोगों के सामने ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट और लेके आने वाला हूँ जिससे मेरे सभी बच्चे जो हैं उनको साइंस में कुछ भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।